तारीफ आज आपके बीच में और सभी गर्व का विषय है हमारे बीच में, हमारे हरियाणा के दिलों की धड़कन सरकार उनके साथ में, आपके बीच में फिर दुनिया के सामने जो सिंह चुटाला जी पहुंच गए हैं, आप लोग उनसे फूलों की उठा दो, ये कैसे भगवान है आपको नोटों से बैठाएंगे जी, भाई अनूप सिंह जी राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, राजेंद्र तारी जी संगठन सचिव, हमारे बहुत पुरी के गए भगवानपुरी के सारे भारत के सबसे बड़ी गद्दी के मालिक हैं, यह भी पहुंचे उनके जिला प्रधान भाई अमित पूरा जी और सभी इनके साथ आए हुए विधायक जी बोलेंगे सबका नाम मंत्री जी में सम्मानित मंच खड़क दुनिया गांव के पिता तुल्य बुजुर्गो नौजवान दोस्तों माताएं बहनों देश के भविष्य उज्जवल प्यारे बच्चों भाई साथियों अपने गांव खड़क दुनिया में दुष्यंत जी सभी अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं। मैं इंडा गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हरियाणा सरकार में मंत्री अनूप दानक जी, खादी बोर्ड के चेयरमैन मास्टर राजेंद्र मेहतानी जी, हमारे बीच में महिला की प्रदेश की अध्यक्ष शीला बिहार जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अकेले ने ऊपर भेज दो, अड़े आ जाओ माइक पर, अरे एक जना आ जाओ, खड़का सबसे ज्यादा कर रहा है, ओके फोटो भी खींच लो, भेज हाजरी पूरी हो जाएगी, ठीक है मेरे को पता है पढ़ दूंगा, अरे बीमे के पैसे है, अब शांति नहीं होगी, और अगर ना बुलाता तो 15 मिनट मैंने और खड़के में भाषण देना पड़ता। हमारी महिला अध्यक्षा राधिका जी मंच पर बैठकर उनकी ताकत को बढ़ाने का काम कर, साथियों अपने काल में बूंद बूंद जोड़े गढ़ा बरते और बूंद बूंद जोड़े शमन देते, 11 महीने की मेहनत कर हमने 17% वोट लिए और 17% वोट लेकर 10 विधानसभा में विधायक हुए। मरे चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के आदेश पर इस पार्टी को प्रदेश का भी तो सबसे बड़ा संगठन बनाना, और प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन बनाने के लिए जब तक हम 40% वोट पर पार्टी को नहीं लेके जाएंगे अपनी ताकत नहीं दिखा, और उस 40% में पहुंचाने के लिए आज नए साथी को भी पार्टी में जोड़ना पड़ेगा, पार्टी संगठन के कार्यों को गति देनी पड़ेगी। मेरी माताएं बहने बैठी है, 50% आबादी इनकी है, बूथ सखी के माध्यम से इनको भी जोड़ना पड़ेगा, और तो बूथ पर खड़े होने वाले साथियों को नई फौज को भी तैयार करना पड़ेगा,
आज हम मैदान में उतर जाएंगे तो अपने आप बदलाव दिखेगा। मैं तो एक चीज आपको बता सकता हूं कि प्रदेश के अंदर 4 सालों में हमारी सरकार ने कई ऐसे काम करे जिसने प्रदेश की तस्वीर बदली। किसान आंदोलन, कोरोना, ये सारे झेले, उसके बावजूद भी काम की गति को नहीं रुकने दे। आज मेरी माताएं बहने बैठी है, पहले पीला राशन कार्ड गांव की सबसे बड़ी समस्या होती थी और आज तो 2 मिनट लगते सीएचसी सेंटर में जाओ, परिवार की आय 1.80 से नीचे है, साथ के साथ पीला राशन कार्ड काट के दे देता है। बुढ़ापा पेंशन, 60 साल का बुढ़ा होता था, बुढ़ापा पेंशन का फॉर्म भरवाता 62-63 का हो जाता था और फिर सिफारिश करो तो 7 में बढ़ती थी। आज तो 60 साल 1 महीने का होता है और 3,000 रुपये खाते में शुरू हो जाता। किसान को सबसे बड़ी जरूरी चीज होती थी फर्ज। कितने दिन लगा करते थे पहले? 15 दिन, 1 महीना, और आज 1 बटन। पर इसका प्रचार कौन करेगा? दुष्यंत तो हर जगह बहुत से नहीं बता। आज मुआवजा बड़ा लिया है, मुझे बताओ 4 साल से जो बोझ कर रखी है, फसल बेच के आते हो 2 दिन में पीछे आ जाते हैं, पहले कोई कर पाया? ये व्यवस्था बनाई, बल्कि ये मुआवजा भी जो है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 750 करोड़ का क्लेम था, 250 करोड़ बढ़ चुके, 500 करोड़ भी आ रहे हैं मेरे ख्याल से महीने के अंदर अंदर, ये भी खातों में आप लोगों के आ रहे हैं। ये व्यवस्था बनाने पर, और जो नॉन क्लेमेंट फार्मर थे उनके तो साथ के साथ 30वें दिन आ गए क्योंकि व्यवस्था बन गई। तो जो युवा साथियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपने HTET का पेपर था, पहले हिसार के बच्चे को फरीदाबाद भेजा करते थे, आज तो 50 किलोमीटर में हो जाता है। कितनी ऐसी सहूलियतें करते, मैं गिनवाण का काम को नहीं करती। जब तक इन चीजों का प्रचार नहीं करोगे, घर घर जाकर बताओगे नहीं, विपक्षी आपको कमजोर करने का प्रयास करते रहे। आपको याद होगा कांग्रेस ही पहले 18 में क्या प्रचार करते थे कि 18 में कौन, 24 में आ जाएंगे, 19 के चुनाव में आए नहीं आए, और अब इस प्रचार को और बढ़ा दिया, क्या 24 नहीं 29 में तो पक्का आ जाएंगे। उन कांग्रेसियों को भी बता दो कि ना तो कांग्रेस ने 24 में आठ दिया ना 29 में आठ दिया। साथियों, तो आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी मेहनत पर निर्भर करता है कि कितनी ताकत के साथ पार्टी को आगे बढ़ाओ। चौधरी देवीलाल जी एक बात कहा करते थे, हवा बढ़ाओ, हवा बढ़ेगी तो राज आएगा। हवा बढ़ाने का काम तो कार्यकर्ता करेंगे। अभी मैं आया घरों पर देख रहा था, झंडे नहीं है। अनूप कंजूसी कर रहा है तो बता दो झंडे नहीं भिजवा रहा। आज घरों पे झंडे नहीं लगाओगे तो कांग्रेसियों का खून कैसे बढ़ेगा? झंडे लगे दिखेंगे, आएंगे जाएंगे, अपने आप पता चलेगा कि हवा बढ़ेगी। घर में जाकर जो करे हुए कामों का प्रचार नहीं करोगे तो कैसे हवा बढ़े? मेरी तो प्रार्थना विनती आपसे कि संगठन की ताकत को बढ़ाने में हमारा सहयोग करो। गांव की जो आपकी डिमांड थी, एक तो कम्युनिटी सेंटर की रखी मुख्य मांग, कम्युनिटी सेंटर के लिए जनसंख्या के आधार पर सीईओ को नई नोटिफिकेशन हमने भेजी और उस हिसाब से 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ जनसंख्या के आधार पर सरकार सैंक्शन करेगी। पहले की तरह नहीं कि गांव में 1,000 लोग और कम्युनिटी सेंटर 3.5 करोड़ का बना दिया, तो वो जितनी जल्दी भेज दोगे उतनी जल्दी उसका सैंक्शन हम करके दे देंगे। दूसरी चीज थी स्टेडियम की, युवा साथी खड़े हैं, स्टेडियम के लिए सरकार की योजना पहले चल रही है व्यायामशाला की, 3.5 एकड़ जमीन जितनी जल्दी लिखित में दे दोगे व्यायामशाला के लिए, हमने 500 मंजूर करनी है उतनी जल्दी हम मंजूर करके देंगे। बड़ी हुई व्यायामशाला बड़ी हुई,
स्टेडियम अभी बना नहीं दिया, जहां आपके पीएचसी का है सर्वे चल रहा है पूरे हरियाणा में, जनसंख्या के आधार पर गांव दर गांव सर्वे चल रहा है, और सर्वे खत्म होते ही नई पीएचसी जो एलोकेट होनी है वो हम साथ के साथ कर देंगे। दो आपकी चौपालों की मरम्मत की बात थी, वैसे एक चीज आज प्रधान जी ने पहली बार मेरे को लगा बड़ी अच्छी तरह पड़ी, चौपाल तो बड़ी पड़ी, तो गेट के लिए 21 लाख, इसके लिए 21 लाख, इसके लिए 21 लाख, अपने सगाई वाले दिन आते हैं ना रिश्तेदार और ब्याह से पहले पढ़ के जाते, वैसा नहीं लग रहा था। तो आपकी जो रिपेयर मरम्मत करानी है इनका मैं आदेश दे जाऊंगा, एसडीएम मैडम जल्दी से जल्दी इनका सर्वे करवा लेगी और जैसे ही बन के आएगा मैं एचआरडीएफ से मंजूरी दे दूंगा। जो बात आपके डेरे के दरवाजे की थी वो मैं डी प्लान में डलवा देता हूँ, डी प्लान की जैसे ही किस्त आएगी उसके थ्रू बनवा देंगे, क्योंकि हम स्टेट एंड से पैसा नहीं भेज पाए, तो उसमें कोई तकनीकी है वो महंत जी को भी पता था, उनने खुद ही मेरे को बता दिया। जहां आपके 200 पकड़ में नीट है यो हां भाई, नीचे हम ना दे दियो बढ़िया कोने लोग मार दिया है, हां कौन सी दे दे हरिजन और चुमार में क्या फर्क है, ए ब्लॉक बढ़िया कोने है जी मार दो और दो बार पीछे। अब साथियों मेरी विनती प्रार्थना आपसे ये थोड़ा संगठन में समय दे, संगठन के कार्य को बढ़ाओ, बूथ सखी बूथ योद्धा पे समर्पित भाव से अपने कार्य को आगे ले जाने का काम करो। मैं तो यही प्रार्थना देने आया था, जो आपका है वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चली गई इंश्योरेंस कंपनी, उससे धीरे धीरे आने लगे, जैसे ही आ जाएगा साथ के साथ करा के आपका पैसा दे देंगे। आप सब आए कौन, आप सब कब, बहुत धन्यवाद।